आपके यहाँ के विधायक कौन? कैलाश गहलोत। इलाके में कुछ काम कराया 5 साल? इस इलाके का आसपास का 5 साल में कोई रोड का विकास नहीं हुआ। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक कौन? गहलोत जी हैं। कैलाश गहलोत। कुछ काम कराया 5 सालों में इलाके में? कुछ भी काम नहीं कराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। दिल्ली की बात करें और दिल्ली के देहात को भूल जाएं तो ये शायद दिल्ली के देहात से नाइंसाफी होगी, इसीलिए आज हमारी टीम पहुंची नजफगढ़ विधानसभा में, जहां हमने वहां के क्षेत्रवासियों से पूछा कैसे रहे केजरीवाल सरकार के 5 साल, कैसे रहे उनके विधायक के 5 साल, क्या उनके विधायक जो मंत्री भी हैं क्या आए अपने क्षेत्र में, किया अपने क्षेत्र का विकास या हो गए हैं फेल। तो शुरू करते हैं आज की नई रिपोर्ट नजफगढ़ गांव विधानसभा से, विधायक पास हुए या फेल। आपका नाम? अभिलाषा। कहाँ रहती हो? यहीं काली प्याऊ। चुनाव आता है वोट करने जाते हो? यस। अच्छा, विधायक कौन है आपके? कैलाश गहलोत। कुछ काम करा रहे हैं इलाके में? हाँ मैडम, काम तो है, करा रहे हैं। तो हमने देखा नहीं है कि क्या कराया क्या नहीं है, बाकी तो हमें सड़कों के लिए कहा है कि ये सड़क वगैरह बन जाए। सड़कों का काम 5 सालों में अब तक उन्होंने देखा ही नहीं है कि सड़कें खराब। हमने तो यहाँ पे देखा नहीं है कि कहाँ, यहाँ पे तो काली प्याऊ में आए नहीं है अभी, कभी नहीं आए। वो आगे कहीं स्कूल तरफ आए हों तो नहीं कह सकते, यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा अपनी कॉलोनी। यहाँ के लोगों को नहीं देखा कि कितनी परेशानियाँ होती हैं सड़क? बच्चे आते हैं ड्यूटी पे से, बच्चे आते हैं, इतना इतना पानी भरा रहता है चर्च के पास बच्चे। बारिश के समय में ही हमेशा? नहीं, जब जैसे बारिश के समय भरा रहता है, ये देखो अभी जैसे पानी आया ना तो ये देखो यहाँ पे भरा है। बच्चे ड्यूटी से आते हैं कोई 10:30 बजे 11 बजे तो देखते हैं यहाँ पे पानी इतना भरा रहता है, वहाँ से तो निकल नहीं पाते, किनारे किनारे से तो निकल के जाते हैं। हमारे लिए तो जो काम अच्छा कराएगा वो ये। चुनाव आता है वोट करने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ से विधायक कौन है? गहलोत जी हैं। कैलाश गहलोत। कुछ काम कराया 5 सालों में इलाके में? कुछ भी काम नहीं कराया, बल्कि मैं हम लोगों ने यहाँ चर्च में बुलाया था एक बार और उनको सारी सिचुएशन बताई थी। ये देख लो आप, अभी भी ये सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। चर्च के चारों तरफ देखेंगे, आप बता दीजिए। चर्च के चारों तरफ देख लो, ठीक है? और हमने हमसे लिखित में मांगा था उन्होंने, हमने लिखित में दिया, हमारे पास स्लिप भी पड़ी हुई है। उसके बावजूद हाँ, स्लिप दिखा सकता हूँ मैं। हाँ, मेरे पास स्लिप पड़ी हुई है। मेरा फोन भारी लगा हुआ है, ठीक है? कोई काम नहीं कराया 5 सालों? 5 सालों में छोड़ो, अभी पीछे भी वो कह के गए थे आप लिखित में दे दो हम दे देंगे। हमने अभी भी 2 बार लिखित में दिया है, आपके सामने भी देखे थे हम सारे, ये जितने भी खड़े हुए ना सबके सब, सब लोग भर के गए थे पूरा टाइम। वो तो आम आदमी पार्टी से है ना? कौन? आम आदमी पार्टी से ना कैलाश? आप आम आदमी पार्टी से? आप पार्टी की तो काफी तारीफें हो रही है। तारीफ देख लो आपके सामने। अच्छा? दिल्ली में हो रही होगी, दिल्ली में हो रही होगी ना हमारी तारीफ तो देखो ना, ये सारे परेशान खड़े हुए हैं और वो और कच्ची कॉलोनियाँ और भी बन गई हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में कुछ काम नहीं है। आपकी कॉलोनी में काम नहीं है, आपके विधायक कितने अनसुने? फिर वही बात, अब केजरीवाल जो है चाहे तो कहीं पे भी काम कराएं, हमारे यहाँ जब काम होएगा तभी तो पता लगेगा हमें। चुनाव आता है वोट करने जाते हैं? हाँ। आपके यहाँ के विधायक कौन? कैलाश गहलोत। इलाके में कुछ काम कराया 5 सालों में? इस इलाके का आसपास का 5 साल में कोई रोड का विकास नहीं हुआ सीधे जो खोलकर बात हुआ। बिजली पानी का? बिजली पानी पहले भी, मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ, लेकिन 12 साल पहले भी बिजली फैसिलिटी बहुत अच्छी थी और आज भी है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है तब्दीली जैसा कि हाँ भाई उनकी तरफ से बिजली में ज़्यादा वो हुआ हो। मतलब उनकी तरफ से कोई काम नहीं? नहीं, इस मेरा कहना यह है कि जैसे एक विधायक वो होता है जो एक परिवार को सकल दिखाता भी है, ठीक है ना? और आज तक जैसे एक परिवार को जब बाप भी तो वापस घर में आता है ना लौट करके, ये नहीं है कि उस समय चुनने के बाद वो परिवार से दूर होके जाके बैठ जाए, शकल न दिखाए। कभी आए नहीं इलाके में? नहीं, कभी नहीं आए। और बाकी हमने जो कैलाश गहलोत के पीए हैं उनका नंबर भी हमारे पास है और हमने कॉल भी किया था, यहाँ तक कि पीए साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं दी हमें। हमने बाकायदा वहाँ पे मेरा मैं आई एम प्रिस्ट और मैंने लेटर हेड पे खुद अपना लेटर दे रखा है कि इस कॉलोनी का गली के लिए और जो ये तारों के है। कितने टाइम पहले लेटर दिया था? जस्ट ये ज़्यादा नहीं, 10 दिन पहले हो गया है। अभी तक कोई आया है यहाँ देखने के लिए इंक्वायरी वाला? और कोई नहीं आया है और इसमें हमने यही 10 दिन पहले लेटर जरूर दिया गया, लेकिन उससे पहले भी 1 महीने पहले भी गए हम लोग, उसके बाद भी कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। चुनाव आता है वोट करने जाते हो? बिल्कुल जाते हैं जी। आपके यहाँ से विधायक कौन? कैलाश गहलोत। कुछ काम कराया 5 सालों में? नहीं जी, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कोई काम जो आपने बताया और उन्होंने ना करवाया?
नहीं जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ, नालियाँ भरी पड़ी हैं, बिजली के तार ऐसे लटके हुए हैं, बाकी सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं, रोड पर मेन रोड पर भी चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ तो। चुनाव आता है वोट करने जाते हो? बिल्कुल जाते हैं। आपके यहाँ के विधायक कौन? हमारे यहाँ के विधायक कैलाश गहलोत हैं। कैलाश गहलोत जी, 5 सालों में इलाके में कोई काम कराया आपने? अभी तो पता नहीं कितना काम हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इस सड़क की हालत देख लीजिए आप, सड़क की हालत दिखाइए इनको, सड़कों की हालत देखिए, ये देखिए बिजली के तारों को देखिए आप, है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है अभी अधूरी पड़ी हुई है, इसको कराना है। 5 सालों में क्या करवाया उन्होंने? 5 सालों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है, 5 सालों का ब्यौरा जो है वो तो सरकार बताएगी क्या क्या है। केजरीवाल सरकार की तो दिल्ली में काफी वाहवाह है। केजरीवाल सरकार जो है कुछ कामें कराई होगी, हमारी जो समस्या है उस समस्या को आप हाईलाइट कीजिए। मतलब केजरीवाल सरकार ने काम कराया, एमएलए ने नहीं करवाया? अभी किसने कराया ये तो हेड बताएगा जाके वहाँ पर कि कौन। आप यहाँ से रहते हैं, आपको पता होगा इलाके में क्या काम कराया क्या नहीं? कुछ काम तो हुआ होगा ये मानते हैं, लेकिन जो काम नहीं हुआ हम उसको बता रहे हैं आपको। चुनाव आता है वोट करने जाते? वोट जाते, बिल्कुल जाते मैडम। अच्छा ये बताइए आपके यहाँ के विधायक कौन? ये कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से। कुछ काम कराया 5 सालों में? उन्होंने सिर्फ हमारे को थोड़ी सी पानी की सुविधा हुई है, बाकी आप नाली का विकास देख रहे हो, रोडों का विकास देख रहे हो, ये इनसे पहले ये विधायक जो थे जो उनके स्पैर हो गए, उनको बेचारों को गोली लग के मारा गया, भाई भरत सिंह जी, उन्होंने ये नालियाँ वगैरह बनवाई थी, उसके बाद ये कैलाश गहलोत की केजरीवाल सरकार बनी है, जब से ना कोई यहाँ विधायक देखने आता ना झांकना, उनको यही नहीं पता कि न्यू विजन कॉलोनी है भी या नहीं भी है। लेकिन ये विधानसभा तो आपके एमएलए कभी नहीं आए यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आए, ये एक बार आए थे चर्च के अंदर, उसके बाद दोबारा मैंने तो आज तक देखे नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा क्या कहती है नजफगढ़ की जनता, किस तरीके से विधायक मंत्री तो बने मगर अपनी विधानसभा को ही भूल गए और अपने क्षेत्र में ही नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों इस तरीके से रहा नजफगढ़ विधानसभा का सर्वे, आगे का सर्वे देखने के लिए जुड़े रही वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।